हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने रिसेंटली अपने वीडियो में बताया था कि कैसे आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ गई होगी और मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो बस विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते रहें, बहुत सारे लोगों को ये एरर देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले तो आपके पास जो विंडोज़ 11 की ISO इमेज है उसकी मदद से आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लेनी है। अगर आपको नहीं पता बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं तो आपको फिर से ऊपर आई बटन लिंक आ गई होगी और मैं इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। अब अपने विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव को अपने PC या लैपटॉप में इंसर्ट कर लो। इसके बाद आपको चाहिए होगी विंडोज 10 की ISO इमेज। जिन लोगों के पास विंडोज 10 की ISO इमेज नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विंडोज 10 की ISO इमेज में से सिर्फ कुछ फाइल्स चाहिए और वो फाइल्स मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सोर्सेस नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर की सारी फाइल्स को कॉपी कर लो। अब अपनी बूटेबल पेन ड्राइव में जाओ और बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर आपको एक सोर्सेस नाम से फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर इन सभी फाइल्स को पेस्ट कर दो। इतना करने के बाद अब आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। जिन लोगों के पास विंडोज 10 की ISO इमेज थी वो इस इमेज को अपने किसी भी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर लो। सोर्सेस वाला फोल्डर ओपन करो, उसके अंदर install.ini वाली फाइल को डिलीट कर दो। बाकी सारी फाइल्स को कॉपी करके विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव के सोर्सेस फोल्डर में पेस्ट कर दो। और बस इतना करने के बाद अब आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। ये मेथड 100% वर्किंग है अगर आपने पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखी हो तो। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।